गाइस, तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है लोन दिलाने का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से दिखाऊंगा। आपको जो DSA ID है यानी कि लोन एजेंट का काम है, सारी जितनी भी ID होती है वो एक बार में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कैसे मिलेंगी सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगर आप एंड तक देख लेते हो ना तो आप जो है आसानी से 60 से 70 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हो। मैं ये सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, आपको विद प्रूफ सारी चीज़ें दिखाऊंगा। लोग अर्न कर रहे हैं, मेरे पास जो टोटल 126 एजेंट है जो कि फिलहाल काम कर रहे हैं, और सभी जो है अच्छे खासी अर्निंग भी जो कर रहे हैं, और आप जो है अच्छे खासे लोन करा सकते हो। जिसके पास कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, उनके सभी के लोन आप जो है करा सकते हो। सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। और जैसे कि जिस कस्टमर के पास आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, आप जो उसका भी लोन करा सकते हो। ई मैंडेट सेटअप करने के लिए उसके पास ATM कार्ड नहीं है तो उसका भी लोन आप करा सकते हो, और आप जो सभी प्रकार के लोगों का लोन करा सकते हो। अब जो है हर किसी के पास तो सैलरी या इनकम प्रूफ तो होता नहीं है, इसीलिए ये वीडियो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर ऐसे ही आते हैं और सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन होता है। कोई भी कस्टमर को कहीं भी विजिट नहीं करना होता है, आप चाहे पंजाब में बैठे हो चाहे कस्टमर बिहार में बैठा हो, आप जो है उसका लोन करा सकते हो, और ऑल ओवर इंडिया में आप जो है काम कर सकते हो। और जहां पर पिन कोड की सर्विस अवेलेबल नहीं होती है तो वो पिन कोड का काम आप कैसे करा सकते हो, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि जहां पर पिन कोड की सर्विस नहीं है उस कस्टमर को आप लोन जो है कैसे दिला सकते हो। सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है दोस्तों। लोन दिलाने का काम एक ऐसा काम है जो कि ना तो कभी बंद होने वाला, क्योंकि पैसों की जो जरूरत थी वो हर किसी को इस टाइम पे पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी, और फ्यूचर में ये जो और ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। किसी को पैसा अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए चाहिए, किसी को कभी इमरजेंसी में चाहिए होता है, लेकिन पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो कभी भी लोगों को पड़ सकती है। इसीलिए ये बिजनेस जो है इतना ज़्यादा ग्रोथेबल है। अगर आप जो है अच्छे कस्टमर पकड़ने लग जाते हो तो आसानी से ना आप 1 लाख रुपये पर मंथ नेट प्रॉफिट जो है अर्न कर सकते हो। और मेरी तरफ से आपको जो है कितना कमीशन दिया जाएगा वो पूरा कमीशन चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। कैसे आप जो इस काम को सीखोगे वो पूरी ट्रेनिंग में आपको जो है देने वाला हूं। और मैंने जो है पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, फिर भी मैं आपको जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप जो है पूरा काम कर सकते हो। अगर आप जो है फ्रेशर भी हो तो भी आप इस काम को इस देता हूं कि आप जो है लोगों को कितने लाख तक लोन करा सकते हो। आप यहां से जो है माइनस सिविल पे भी लोन करा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको IIFL फाइनेंस का जो पोर्टल है, वो कॉर्पोरेट का जो DSA है, सारी चीजें आपके हाथ में यहाँ पे कंट्रोल होता है, वो सब कुछ यहाँ देख सकते हो। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे कि एक लोन माइनस सिविल पे भी यहाँ पे हुआ था, जैसे कि राजू सेठ का, अभी जो है फिलहाल ही रिजेक्ट हो गया किसी रीजन की वजह से, लेकिन यहाँ पे माइनस सिविल पे भी जो लोन है वो हो जाता है। जैसे कि एक्सपीरियंस स्कोर -1, सिविल स्कोर इसका सिर्फ 1 है। लोन ऑफर देख सकते हो यहाँ पे कितना 50,000 का। यहाँ से आप टाइम लाइन पे क्लिक करके पूरी जो टाइम लाइन है ना वो चेक कर सकते हो कि इन्होंने जो कब प्रोसेस स्टार्ट किया था, जैसे कि ENH कब स्टार्ट करा था, कस्टमर ने कब किया था, सिस्टम ने कब किया था, लोन रिजेक्ट और रीजन भी यहीं पे आ जाता है, जैसे कि लोन रिजेक्ट हुआ है किस कारण से हुआ है, वो आप जो है वो कारण यहाँ पे जो लिखा आ जाता है। यहाँ पे जो कोई नई एक पॉलिसी आई थी वो यहाँ पे शो करा रही है। मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि 1,09,000 का लोन हुआ था, 36 महीने की 4732 रुपये की EMI बनी थी। इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका सिविल थोड़ा डाउन था, इस वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हुई थी। एडवांस में EMI का अमाउंट चला जाता है। टाइमलाइन पे क्लिक करके आप जो टाइमलाइन चेक कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म, कस्टमर का जो बैंक स्टेटमेंट है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो IIFL में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट, आप बस बैंकिंग यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, 8,000 रुपये बैंक में मेंटेन होना हो रहा हो, जब भी आपका जो लोन है वो यहाँ से 100% अप्रूव हो जाता है। जैसे कि एक लोन लक्ष्मी दर का मोहा पत्र का 2 लाख का लोन कस्टमर के बैंक में भी डिस्बर्स हो चुका है। मैं आपको यहाँ से पूरी डेट भी दिखा देता हूँ, जैसे कि नीचे आएंगे लोन डिस्बर्स 19 मई 2023 6:33 को पूरा जो लोन है वो डिस्बर्स कस्टमर के बैंक अकाउंट में हो चुका है। KYC के डॉक्यूमेंट उसके जो है यहाँ पे आ जाते हैं, वो सब चीज़ आप इसमें जो है देख सकते हो। फिर से पिनबॉक्स पे क्लिक करके आप एक चीज आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि लास्ट स्टेप होता है साइन एग्रीमेंट का, कस्टमर का जो एग्रीमेंट है वो हो चुका है मोहम्मद असीम का, जो कि आज ही हुआ है जिस दिन मैं ये वीडियो
जो है सूट कराऊं, जैसे कि लोन साइन एग्रीमेंट 22 मई 2023 थे 6:56 पे 2 लाख का जो है इसका लोन का ऑफर है, और जो है ये 24 घंटे के अंदर डिस्बर्स भी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख का लोन का ऑफर एक है कस्टमर को, और इंटरेस्ट रेट जो है कस्टमर के डॉक्यूमेंट पे वेरी करती है कि वो उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो किस प्रकार के हैं, जो है उसका बैंकिंग कैसी है, उसके जो सिविल स्कोर कैसा है। यहाँ पे जो है माइनस सिविल पे भी हो जाता है अगर जो है कस्टमर की बैंकिंग अच्छी है, उसने कभी भी लोन नहीं लिया है, डिफॉल्टर का आप जो है यहाँ से नहीं करा सकते हो। इसकी भी टाइमलाइन देख लेते हैं कि कब जो है इसका एग्रीमेंट साइन हुआ, ये भी जो है 22 मई 7:18 यानी कि हमारे यहाँ जो है टाइम टू टाइम 10-15 मिनट में एक लोन 2 से 3 लाख का जो है डेली अप्रूव जो है होता रहता। अब प्रूफ तो आपने देख लिया, आधार कार्ड पैन कार्ड वाले जो प्रूफ है वो अभी मैं आपको जो है दिखा दूंगा। आपको जो है कॉर्पोरेट का DSA का जो फॉर्म है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जो है 200 रुपये की फीस का पेमेंट कर सकते हो तो आपको जो सभी ID मिल जाएंगे, अदरवाइज आप जो फ्री में भी मेरे साथ काम कर सकते हो जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा। अगर आपको ये जो फिनवॉक्स का पोर्टल है, IIFL फाइनेंस का, मनी वाइड का, LNT का, ये सभी चाहिए और आपको कमीशन भी चाहिए और कमीशन चार्ट में अभी आपको दिखाऊंगा, तो आपको ये कॉर्पोरेट का जो फॉर्म है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली इस फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना तो आप यहाँ पे आ जाओगे। इसके लिए आपको इस वाले मोबाइल नंबर पे सिंपली 70 37 87 75 30 पे 200 रुपये का फीस का पेमेंट करना होगा, जो कि पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, UPI ID से आप कैसे भी कर सकते हो, जिसपे की नेम यहाँ पे काजल नेम शो होगा, और 24 घंटे से पहले पहले आपकी जो ID है वो क्रिएट कर दी जाएगी, व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएगी। कैसे सेंड होगी वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आपको क्या क्या डिटेल्स हैं जो अपने फिलअप करनी होगी। अपना फुल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना, और एक बात को ध्यान रखना है, जहाँ पर जो है ये रेड कलर का इंडिकेशन आपको शो हो रहा है इसका मतलब है ये डिटेल आपको फिलअप करना है इसमें मैंडेटरी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, ईमेल आईडी आपको फिल करनी है, अपना पूरा एड्रेस आपको फिल करना है, पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, सिटी फिल करनी है, स्टेट आपको फिल करना है, बैंक नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना अपना जिसमें आप कमीशन लेना चाहते हो, बैंक अकाउंट नंबर आपको डाल देना, अकाउंट नंबर को कन्फर्म करना, IFSC कोड डालना, अकाउंट होल्डर का नेम आपको यहाँ पे डाल देना, आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, और आधार कार्ड को यहाँ पे आपको एक साथ फ्रंट और बैक को अपलोड कर देना है, और ऐसे ही आपको अपने पैन कार्ड को अपलोड कर देना है फ्रंट साइड से। अगर आपके पास बैंक की पासबुक है या कैंसिल चेक है तो उसमें से किसी एक को अपलोड कर देना, क्योंकि उसी में आपका कमीशन जो है दिया जाएगा। अगर मैं आपसे जो है पेटीएम नंबर भी लेकर के कमीशन ले सकता हूँ, और कमीशन का जो प्रोसेस है अभी मैं आपको एंड में बताऊंगा क्या उसके लिए आपको जो है करना होगा अगर कमीशन आपको चाहिए तो। वैसे तो मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देता हूँ, और दूसरा तरीका भी आपके पास जो है हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो 200 रुपये की फीस का पेमेंट आपने किया वो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे लगाना होगा। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। मैंने बताया ना कि जहाँ पर इंडिकेटर आपको यहाँ सो रहा है ये रेड स्टार, उसका मतलब है कि ये आपको फिलअप करना मैंडेटरी है, और आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक, सिर्फ आपको 3 से 4 घंटे का वेट करना, और 4 से 6 घंटे में आपको जो है ID मिल जाएगी। कभी कभी आपको इंस्टेंट भी ID ये प्रोवाइड करा दी जाए, और आपको यहाँ पर अपना जो वो मोबाइल नंबर डालना जो आप जो है ID में रजिस्टर्ड करना चाहते हो। जैसे ही आप जो ID रजिस्टर्ड अपना फॉर्म सबमिट कर दोगे, बिना आपको स्क्रीनशॉट के इस फॉर्म को सबमिट नहीं करना, आपके जो व्हाट्सएप नंबर पे एक सबसे पहले डायरेक्ट लिंक आपको सेंड की जाती है। इससे आपको जब भी किसी भी कस्टमर का आप लोन अप्लाई करो तो सिंपली आपको जो है इस लिंक पे क्लिक कर देना। वैसे तो आप अपने पोर्टल से भी क्रिएट अ न्यू लीड पे क्लिक करके जो है अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा वो होता है। और जितनी भी लीड आप इस लिंक से करोगे ना, यहाँ पे आपका जैसे कि हिमांशु शेखर 15 इसमें कोड होता है जो कि आपके फिनवॉक्स पोर्टल में आपको शो होगा। जितनी भी लीड आप करोगे, अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करना, कस्टमर का नंबर डालना, वेरीफाई मोबाइल क्लिक करना, और ट्रेनिंग की वीडियो आपको सेंड की जाएगी, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये वॉइस दी जाती है आपको, व्हाट्सएप ग्रुप आपको सेंड किया जाता है, पूरी सपोर्ट टीम आपको इसमें दी जाती है, और मुझसे आप पर्सनली भी कॉन्टेक्ट जो है कर सकते हो। अभी मैं आपको बर्ड पे पूरा चार्ट दिखाऊंगा। वॉइस आपको दी जाती है, और ये आपको वो पिन कोड की सीट दी जाती है XML की, जिसमें कि सभी पिन कोड अवेलेबल हैं, वो आपको चेक करने होते हैं। जैसे कि कस्टमर ने आपको डॉक्यूमेंट भेजे और उसका आधार कार्ड में जो पिन कोड है, सबसे पहले तो आपको उस पिन कोड को इस सीट में चेक कर लेना, अगर इस सीट में अवेलेबल होता है वो चेक करना है आपको। कंट्रोल F आपको
अपने कंप्यूटर की शॉर्टकट की को टाइप करना और जो आधार कार्ड में पिन कोड कस्टमर के में अवेलेबल है अगर वो होता है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना। अगर वो उसमें प्रेजेंट होता है तो आपको पिन कोड डालना है ईमेल एड्रेस डालने के बाद, जो कि अभी ट्रेनिंग की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वॉइस दी जाती है, यहाँ पे आप जो है देख सकते हो, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी वगैरह पूरी सब कुछ जो है दिया जाता है। ये वाला जो पूरी सीट आपको दी जाती है, मनी वैड का डीएससी दिया जाता है जिसमें कि आपको मनी वैड में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और सब कुछ की मैंने जो आप ऐसे ट्रेनिंग की वीडियो बनाई हुई है, इस वाली लिंक से आपको करना होता है पे आउट। अभी मैं आपको बता दूंगा, प्रेफर की आईडी आपको जो है इस प्रकार दी जाती है, सभी की सीट आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाती है। जैसे कि लाइव में आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि ये कस्टमर का एक बैग का आधार कार्ड है, इसका आप पिन कोड को देख लेना 24360। सिंपली आपको जो है इस सीट को अपने कंप्यूटर में जो है ओपन कर लेना और अपने कंप्यूटर से आपको एक टाइप करना है शॉर्टकट की, इसको आपको जैसे यहाँ पे आ जाएगा इसमें आपको जो है पिन कोड डाल देना, जैसे कि 24360 वो पिन कोड आपको डालना और एंटर कर देना, तो वो पिन कोड इसमें जो है आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वाहदन का उत्तर प्रदेश का ये पिन कोड है, मान लो कि हम इसमें डाल देते हैं 2, तो अगर ये पिन कोड अवेलेबल नहीं होता है तो आपके सामने ऐसा आ जाता है। अगर ऐसा आता है तो इस केस में आपको जो है मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं बताऊंगा आपको जो है कौन सा पिन कोड डालना, क्या कैसे करना, वो सब कुछ मैं आपको जो है बता दूंगा। वो आप उसके लिए आप पे आउट की बात कर लेते हैं कि आपको जो है कितना पे आउट हमारी तरफ से दिया जाएगा। जैसे कि TWB फाइनेंशियल सर्विस हमारी कंपनी का नेम है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो, ईमेल आईडी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको आ जाना है। जैसे कि IIFL फाइनेंस में आपको 1.25% का जो कमीशन है वो दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो है टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहता है, कभी जो है 1.5% भी हो जाता है तो कभी जो है ये 2% भी हो जाता है। बिजनेस लोन और पर्सनल लोन का ये जो है सेम रहता है। LNT पर्सनल लोन में जिसमें कि आधार कार्ड पैन कार्ड में आपको 0.75% का कमीशन दिया जाता है, जो कि पर्सनल लोन में दिया जाता है। हीरो में आपको 1% का कमीशन दिया जाता है। इंडिफी में आपको 1.5% का कमीशन दिया जाता है, जो कि आपको बिजनेस लोन में। लैंडिंग कार्ड में आपको 1.5% का बिजनेस लोन में और जो परसेंट दिया जाता है। मनी वाइड में आपको 1.5% का कमीशन दिया जाता है। HDFC बैंक में आपको 1% का कमीशन दिया जाता है। PL और BL में यानी कि पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में। एक्सिस बैंक में आपको 1% का, फेयर सेंट में आपको 1% का कमीशन दिया जाता है। यहाँ से आप जो डॉक्यूमेंट लिस्ट चेक कर सकते हो, ये जो मैं PDF बना करके जब आप मुझसे ID लोगे तो ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। डॉक्यूमेंट लिस्ट में IIFL में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं मैंने एक एक चीज़ बताई है, इससे एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ जो है नहीं चाहिए। अगर उनमें से कोई नहीं है तो आप जो मुझसे बात कर लेने कि क्या करना है, तो मैं आपको वो चीज़ें जो है बता दूंगा। यहाँ से टर्म एंड कंडीशन है, 0 सिविल पे भी हो सकता है, 720 के सिविल पे भी हो सकता है, क्या केसेस जो है करनी है वो आपको मुझसे बात कर लेने। इसका जो कमीशन है IIFL फाइनेंस का 8 या फिर 9 दिन बाद, जब कस्टमर का जैसे कि 20 तारीख को आए तो 28 तारीख को जो है कस्टमर को आपको कमीशन आपका दे दिया जाएगा। मान लो कस्टमर का जो लोन है वो 20 तारीख को उसके बैंक में पहुंचा था, उस दिन से कैलकुलेट करना है, 8वें दिन आपको जो है मिल जाएगा। ये नहीं कि आपने आज लोन कराया, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लग जाता है, 1 से 2 दिन में डिस्पर होता है, उस दिन से कैलकुलेट नहीं आपको करना है। यहाँ से इंस्टेंट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और ATM कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस प्रूफ में कस्टमर का कोई वोटर आईडी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको जो है चाहिए होता है। एज कितनी चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो, अप्रूवल आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें जो क्या क्या जो है चाहिए होता है वो सब कुछ इसमें आपको देख लेना है। इसका जो कमीशन है वो मंथली दिया जाता है, अगर आपको कभी कभी पैसे की जो ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं आपको थोड़ा बहुत प्रोवाइड करा सकता हूँ। उसके लिए कैसे आपको कमीशन मिलेगा वो मैं अभी आपको बता दूंगा। इंस्टेंट लोन डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, हीरो के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, नीचे आएंगे तो आप जो है मनी वाइड इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जो है कैश का आप लोन जो है करा सकते हो, वो आप यहाँ से जो है रीड आपको कर लेना। और दोस्तों एक बिजनेस लोन आपको कराना है जैसे कि IIFL फाइनेंस से, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बढ़ जाता है जो कि GST या फिर कोई भी एक रजिस्ट्रेशन प्रूफ, ऐसी जो है सभी में अगर ITR है उसके पास तो वो आपको जो है देना होता है, वो आप यहाँ से दे सकते हो। और सभी की जो ID है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब जो है ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग आपको जो है कैसे मिलती है।
वैसे तो मैं आपको जो है ट्रेनिंग की वीडियो पूरी फॉरवर्ड कर दूंगा, जब आप इस डीएसए के लिए ये फॉर्म सबमिट कर दोगे कॉर्पोरेट डीएसए का, तो आपको जो है ये मिल जाएगी। तो आपको जो है अगर आईएफएल फाइनेंस की पूरी ट्रेनिंग लेनी है तो ये वाली वीडियो देख लेनी है, जो कि मैं आपको पूरा सेंड कर दूंगा। और अगर आपको एलएनटी में केवाईसी कस्टमर की करानी है तो ये वाली वीडियो देखनी है। अगर आपको एलएनटी लैंडिंग कार्ड का जो डीएसए है वो अपना खुद का लेना है तो वो आप जो है खुद का ले सकते हो, उसकी 1500 रुपये फीस है। अगर मेरे पे ही काम करना चाहते हो, और कमीशन तो आपको दोनों तरफ से उतना ही मिलने वाला है, लेकिन मेरे से थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि इसमें आपकी 1500 रुपये की फीस बच जाती है। और इसमें लॉगिन भी मैं करूँगा, सारे काम मैं करूँगा, बस आपको अपनी फाइल मुझको प्रोवाइड करानी होती है। और मनी वाइड के डीएससी के लिए यहाँ से आपको कॉन्टेक्ट कर लेना है, यहाँ से हीरो के लिए आपको कॉन्टेक्ट कर लेना अगर आप जो अपने खुद के लेना चाहते हो। अदरवाइज आप हमारे साथ भी काम करोगे तो बढ़िया रहेगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी शॉप भी ओपन करना चाहो ना तो शॉप भी ओपन जो है कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एलएनटी का प्रूफ दिखा देता हूँ। ये एक एजेंट है, उसको पैसे चाहिए होते, उसने जो है मुझे डिटेल शेयर करी थी कि सर कुछ पैसा प्रोवाइड करा दीजिए। अगर जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन वेलकम किट लिखा आ जाता है तो समझ लो बैंक में पैसा जो है पहुँच चुका है। तो यही स्क्रीनशॉट आपको मुझे शेयर करना है जब आपको कमीशन लेना हो एलएनटी का। मैंने जो है एलएनटी का पर्सनल लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस इन सभी वीडियो में जो है बताया हुआ है। सिर्फ मैं आपको यहाँ से थोड़ा ओवरव्यू इस वाले पोर्टल का दे देता हूँ, क्योंकि मेन यही पोर्टल है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। यहीं से आप जो है सबसे ज़्यादा पैसे कमाओगे, क्योंकि 1 से 2 लाख का लोन यहाँ पे आसानी से हो जाता है। जैसे कि सोनल कुमार का ये लोन जो है एक अप्रूवल इसमें डला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आ जाएंगे सोनल कुमार लोन ऑफर दे सकते हो। लोन ऑफर पे जा करके 2 लाख तक का यहाँ पे कस्टमर को लोन आया है। टाइमलाइन पे क्लिक करके आप जो है टाइमलाइन चेक कर सकते हो। अब दोस्तों मान लेते हैं जैसे कि कस्टमर ने लोन अप्लाई किया या फिर एजेंट ने लोन अप्लाई किया, और आप जो अपने साथ और भी एजेंट को यहाँ से जोड़ सकते हो इस वाले पार्टनर्स पे क्लिक करके। जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू एजेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कस्टमर जिसको आप एजेंट बनाना चाह रहे हो उसका मोबाइल नंबर डालना है, कोड डालना है, उसका कोड आप जो अपने हिसाब से बना सकते हो, उसका नेम और पीछे कोई भी नंबर आपको लगा देना, उसका पैन कार्ड से आपको नेम लगाना और आपको सेव कर देना, और वही उसी प्रकार वो भी लोन जो है करा सकता है। जैसे कि मैंने सोनल कुमार का ये ओपन कर लिया, मान लो जैसे कि कस्टमर का जो है उसने लोन छोड़ दिया। अब जो उसको वहीं से प्रोसेस स्टार्ट करना है, जब भी कभी भी कस्टमर को फिर से वहीं से प्रोसेस स्टार्ट करना है, जैसे कि उसका ई मैंडेट रह गया, अब कस्टमर आपको एटीएम की डिटेल्स जो है नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है रिज्यूम जर्नी पे क्लिक करना, या फिर कस्टमर जो है दूर है आपको सेल्फी उसकी अपलोड करना है तो आपको जो रिज्यूम जर्नी पे क्लिक करना है, और आपको उसके व्हाट्सएप नंबर पे इस लिंक को सिंपली उसको सेंड कर देना और बोल देना कि आगे का प्रोसेस आपको जो है यहाँ से कर लेना। जैसे कि हमने इसका ओपन कर लिया है, यहाँ से जैसे ये ओपन हो जाएगा तो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। जैसे कि ये 2 लाख के लोन के लिए एलिजिबल है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ क्लिक करना है, रीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है किस कारण से ये लोन ले रहे हैं, नेक्स्ट आपको क्लिक करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, फादर नेम डालना, मैरिटल स्टेटस उसका सेलेक्ट करना, ऑक्यूपेशन टाइम आप इसमें जो कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है उन्हीं कस्टमर की फाइल लेनी है जिसके बैंक में सैलरी आती हो या फिर उनका करंट अकाउंट हो, आप जो है सभी के यहाँ पे जो लोन है वो करा सकते हो। जैसे ही जब आपको जो है आईडी दी जाएगी तो आपको इस प्रकार की एक लिंक दी जाएगी प्लेटफॉर्म beta.finworks, तो सिंपली आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं तो यहाँ पे लॉगिन हूँ, आपको लॉग आउट करके जैसे कि मैं इसमें से लॉग आउट हो चुका हूँ तो आपके सामने कुछ ऐसा देखने को ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको लॉगिन करना है तो लॉगिन विद मोबाइल नंबर पे क्लिक करना, अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जब तक मैं आपको रजिस्टर नहीं करूँगा, जब तक आप इसमें जो है लॉगिन नहीं कर पाओगे, पार्टनर्स में जाकर मैं आपको रजिस्टर नहीं करूँगा, आप लॉगिन कर ही नहीं पाओगे। यहाँ पे लिखा है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, यू आर नॉट एजेंट, समथिंग कुछ ऐसा ही लिखे आता है, और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना, ओटीपी आएगी और आप इसमें लॉगिन करना स्टार्ट जो है कर। और कमीशन वगैरह की किसी भी बात को आपको जो है टेंशन आपको लेनी नहीं है। अगर आपको कमीशन लेना है तो आप मुझसे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि मुझे इसका जो है कमीशन चाहिए, और 8 से 9 दिन में आपको जो कमीशन है वो दे दिया जाएगा। अगर पिन कोड की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आपको मुझसे पहले कॉन्टेक्ट कर लेना। और मैं आपको बता दूँ, अगर 200 रुपये आप खर्च करना नहीं चाहते हो तो आपको क्या करना है, मेरी जो आईडी है मैं उसका भी लिंक आपको भी नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका कि
विशाल पीएल कोड आता है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सिंपली आपको उस लिंक पे क्लिक कर देना। अगर केवाईसी करने में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी, वो मुझे सेंड कर देनी है। उसको भी मैं जो है बाय मेल करके जो है केवाईसी करवा दूंगा। यानी कि मेरे पास सभी ऑप्शन जो है अवेलेबल है। बस आप जो है इस डीएसए को ले लीजिए, बस स्टार्ट करिए काम जैसे चाहे वैसे।